नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जो भी उस सवाल का सही सही जवाब देंगे उनको बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और आपके तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। आज की सबसे पहली खबर, 8 दिसंबर को भारत बंद, पटना से जुड़ने वाले सभी NH बंद करने की होगी कोशिश, रेल मार्ग भी करेंगे अवरुद्ध, सुबह 8 बजे से ही सड़क पर उतर जाएगा विपक्ष। जी हां, 8 दिसंबर को भारत बंद है। कृषि बिल के खिलाफ सभी लेफ्ट पार्टियों के साथ ही राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरेंगे, ऐसे में इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। बंद को सफल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जोर सड़क और रेल मार्ग को अवरुद्ध करने को लेकर होगा। लेफ्ट पार्टियों के किसान संगठन और कांग्रेस के किसान संगठन ने पटना में बैठक कर बंद को प्रभावी बनाने की रणनीति तय की है। आपको बता दें कि भाकपा माले के साथ ही राजद और कांग्रेस का भी समर्थन किसान संगठन की ओर से बुलाए गए बंद को लेकर है। माले की रणनीति ही रहती है कि वह पहले NH को बंद करता है, इसीलिए पटना से जुड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़कें तय रूप से प्रभावित होगी। इसमें NH 30 पटना बख्तियारपुर, NH 30A फतुहा से नालंदा के साथ ही पटना गया और पटना बख्तियारपुर स्टेट हाईवे के भी प्रभावित होने की आशंका है। मालिक के राज्य सचिव कुलान कहते हैं कि सभी जरूरी सेवाएं मुक्त रहेगी। अगली बड़ी खबर, DLED की परीक्षा रद्द, 8 दिसंबर को होने वाली थी परीक्षा, भारत बंद होने के कारण अब 15 को होगी, पटना यूनिवर्सिटी की भी सभी परीक्षाएं रद्द। जी हां, DLED पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2019-21 के प्रथम सत्र की 8 दिसंबर को होने वाली परीक्षा अब 15 दिसंबर को होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी जिला अधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर इसकी सूचना दी है। परीक्षा अपहार कारण से स्थगित की जाने की सूचना दी गई है, हालांकि इसे भारत बंद से जोड़कर देखा जा रहा है। 8 दिसंबर को भारत बंद के कारण कई गाड़ियां नहीं चल पाएगी, जिसके कारण छात्र परीक्षा केंद्र पर पहुंच पाना मुश्किल होगा। परीक्षा केंद्रों में कोई बदलाव नहीं रहेगा, जिनकी परीक्षा जिस केंद्र पर है वह पूर्ण निर्धारित ही रहेगा। किसान आंदोलन को पप्पू यादव का समर्थन, अनिश्चितकालीन धरना देगी जाप। जी हां, कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को जन अधिकार पार्टी ने भी अपना समर्थन, जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने किसानों का समर्थन किया है। पप्पू ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, इन काले कानून को रद्द कर देना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि अगर इन काले कानून को रद्द नहीं किया गया तो हमारी पार्टी के सभी नेता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। यह धरना प्रदर्शन तभी खत्म होगा जब केंद्र सरकार कृषि कानूनों को रद्द कर देगी। किसानों के दिल्ली मार्च पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम किसानों के सभी मांगों का समर्थन करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। सुशील मोदी का केंद्र में बढ़ेगा कद, राज्यसभा सदस्यता का सर्टिफिकेट मिला, बनेंगे केंद्र में मंत्री, मिलेगा महत्वपूर्ण मंत्रालय। जी हां, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं, अब वे केंद्र की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार है। सोमवार को उन्होंने राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित होने का सर्टिफिकेट भी ले लिया है। उन्हें यह सर्टिफिकेट विधानसभा में पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने समय समय पर मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है उसका पूरे मनोयोग से निर्वहन किया है। बिहार के विकास में मेरी भूमिका छोटी सी गिलहरी के रूप में है, कहा राज्यसभा सदस्य के रूप में दिल्ली जाकर बिहार की समस्याओं को प्रमुखता से उठाता रहूंगा। विभिन्न मंत्रालय में बिहार से संबंधित मुद्दों को उनके मंत्रियों और अधिकारियों से मिलकर सुलझाने की कोशिश करूंगा। अगले 72 घंटे में तेजी से गिरेगा पटना का तापमान, चक्रवर्ती हवा का सिस्टम सक्रिय हो रहा है। जी हां, मौसम विभाग का कहना है कि 9 दिसंबर के बाद में मौसम में बड़ा परिवर्तन होने का अनुमान है। इसमें न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज होगी। बंगाल की खाड़ी में तूफान की वजह से निम्न हवा के दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, साथ ही बिहार के 1500 मीटर की ऊंचाई पर चक्रवर्ती हवा का सिस्टम सक्रिय हो रहा है। बंगाल की खाड़ी के प्रभाव की वजह से पश्चिम बंगाल और झारखंड में बारिश होने का अनुमान है। पटना में गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में इसका असर पड़ेगा, इससे 72 घंटे के दौरान तापमान में गिरावट की संभावना है।
ध्यान रखें, अगले हफ्ते सिर्फ 3 दिन ओपीडी, मंगल को भारत बंद, शुक्रवार को डॉक्टर की हड़ताल और शनिवार को नहीं मिलेंगे सीनियर, रखिए अपना ध्यान। जी हाँ, अगर आप अगले हफ्ते सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य जांच कराना चाहते हैं तो प्लान बदल लीजिए। इस सप्ताह 4 दिन मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हो पाएगा। कृषि बिल के खिलाफ 8 दिसंबर मंगलवार को भारत बंद है। कहीं कहीं गाड़ी नहीं चलेगी, इसीलिए किसी अस्पताल में मरीज नहीं पहुंच पाएंगे। बुधवार गुरुवार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11 दिसंबर शुक्रवार को आईएमए के आह्वान पर देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। आयुर्वेद चिकित्सक को सर्जरी करने की अनुमति देने के खिलाफ वे हड़ताल कर रहे हैं। शनिवार को आधिकारिक तौर पर अस्पतालों में ओपीडी तो चालू रहेगी, लेकिन वीकेंड होने के कारण ज्यादातर विभागों में डॉक्टर नदारद रहते हैं, इसीलिए शनिवार को भी डॉक्टर से परामर्श लेना मुश्किल है। इसीलिए अब अगले हफ्ते रविवार को ओपीडी बंद भी रहती है, इसीलिए इस दिन भी आप डॉक्टर से नहीं दिखवा पाएंगे। राज्य में नई गाइडलाइन जारी, बिहार में 31 तक केंद्र की गाइडलाइन लागू। अब विवाह में 150 की जगह शामिल हो सकेंगे 200 लोग। जी हां, बिहार में शादी समारोह में अब 200 लोग शामिल हो सकते हैं। पहले राज्य सरकार ने 150 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति दी थी। यह आदेश 3 दिसंबर तक के लिए था। कोरोना से बचाव के लिए अब 31 तक केंद्र का आदेश लागू रहेगा। शादी में पहले 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी, जिसे 29 नवम्बर को संशोधित करते हुए 150 लोगों को शामिल होने और बैंड के साथ बारात की इजाजत दी गई थी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि अब बिहार में 31 तक केंद्र का आदेश लागू रहेगा। सिपाही भर्ती चालक की लिखित परीक्षा 3 जनवरी को 10 दिसंबर से डाउनलोड कर सकेंगे प्रवेश पत्र। केंद्रीय चयन पार्षद द्वारा बिहार पुलिस चालक सिपाही के 1722 पदों के भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा अब 3 जनवरी को आयोजित की जाएगी। CSBC के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार 3 जनवरी 2021 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा होगी, लेकिन अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा से 1 घंटे पूर्व सुबह 9 बजे ही रिपोर्ट कराना होगा। पटना रिंग रोड का निर्माण 1 माह में शुरू होगा। 15,000 करोड़ है लागत, 4 और 6 लेन की बनेगी सड़कें। जी हां, पटना रिंग रोड का निर्माण 1 महीने में शुरू हो जाएगा। यह रिंग बिहाटा में बनने वाले नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास से शुरू होकर कनौली होते हुए नौबतपुर, डुमरी, बेलदाचिजक, रामनगर, सबलपुर, बिदुपुर, सराय, अस्तीपुर, नया गांव, दिगवारा, शेरपुरा होते हुए कलोनी के आकर मिलेगा। इस परियोजना का काम मुख्य तौर पर 2 चरणों में हो रहा है। इसके लिए अलग अलग पैकेज में काम हो रहा है। पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने नेशनल हाईवे की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही है। पटना रिंग रोड का हिस्सा और 1402 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे बिहाटा सरमेरा पथ में डुमरी से सरमेरा के बीच बनी 57 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन हो चुका है। अभी बिहाटा के कनौली से डुमरी के बीच सड़क का काम बाकी है, जिसे मार्च 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। बिहार में मार्च से मई के बीच 9 चरणों में पंचायत चुनाव संभावित, चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारी। जी हां, बिहार में मार्च से मई के बीच पंचायत चुनाव संभावित है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव अधिकतम 9 चरणों में पूरी कर ली जाएगी। अनुमंडल मुख्यालय से पंचायत आम चुनाव 2021 की मतगणना कराई जाएगी। चुनाव के दौरान जिलों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर रविवार को जारी विज्ञापित में राज्य निर्वाचन आयोग बिहार ने राज्य के सभी 38 जिलों के जिलाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी नामित किया है। बड़ी खबर, बिहार में बेरोजगारों को राहत, अगले साल तक 5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां, बिहार सरकार अगले साल तक 5 लाख लोगों को रोजगार देगी, लेकिन लोगों को केवल सरकारी नौकरी पाने की इच्छा से ऊपर उठना होगा। सरकार की कई योजनाओं से रोजगार के अवसर सूचित होते हैं, लोगों को स्वरोजगार की दिशा में भी काम करने होंगे। रविवार को गैर सरकारी संस्था कबीर के लोग की ओर से आयोजित 19 लाख रोजगार सृजन संवाद में
में सरकार के तीन मंत्री मंगल पांडे, अमरेंद्र प्रताप सिंह और मुकेश सहनी ने अपने विचार रखे। दापित भवन में आयोजित संवाद में पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक हजारों लोगों की बहाली हुई है, अगले आने वाले दिनों में भी बहाली होगी। विभागों में इसकी प्रक्रिया जारी है। इस साल ही विभिन्न विभाग में 5000 से अधिक बहाली हो चुकी है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार के कई विभागों में बहाली की प्रक्रिया शुरू है, कई विभागों ने रिक्तियों की सूची भी मांगी है। वहीं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि मत्स्य पालन, गौ व बकरी आदि स्वरोजगार का बड़ा माध्यम है, लोग नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो इस व्यवसाय को अपना सकते हैं। बिहार में 442 इंजीनियर्स की होगी बहाली, अब इंजीनियर करा सकेंगे 7.5 लाख रुपए तक का विभागीय काम। जी हां, बिहार सरकार ने हर नगर निकाय को और भी ज्यादा सुदृढ़ करने का फैसला लिया है। सरकार की ओर से इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार के सोमवार को राज्य के उप मुख्यमंत्री और नगर विकास आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जल्द ही हर एक नगर निकाय की समस्याओं को सुना जाएगा और उसे पूरा किया जाएगा। सोमवार को हुए बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। राज्य के सभी नगर निकायों में 442 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति शीघ्र की जाएगी। राज्य के सभी निकायों में संविदा पर काम करने वाले कनीय अभियंता को 7.5 लाख रुपए तक का काम विभागीय रूप से कराने का अधिकार दिया जाएगा। राज्य के नगर निकायों के मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इत्यादि की शिकायतों एवं सुझावों के लिए अलग से ऑनलाइन पोर्टल का भी निर्माण किया जाएगा। बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर, तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी, राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 439 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 2,39,565 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 6,145 कोरोना के एक्टिव मरीज है। वही दूसरी ओर राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 170 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के भीतर 3 लोगों को कोरोना से जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से कुल मरने वालों का आंकड़ा 1,295 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि 24 घंटे के भीतर 572 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। SC ST आरक्षण पर सुशील मोदी का दावा, बोले नहीं खत्म होगा सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बड़ा दावा किया है। AN सिन्हा इंस्टीट्यूट में अंबेडकर के लोग की ओर से आयोजित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 64वीं पुण्यतिथि समारोह को संबोधित करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि जब तक समाज में भेदभाव और छुआछूत आदि रहेगा तब तक लोकसभा, विधानसभा और सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। राज्य के पूर्व डिप्टी CM ने केंद्र सरकार की प्रशंसा करते हुए आगे कहा कि SC ST के आरक्षण को 2030 तक बढ़ाने पर नरेंद्र मोदी की सरकार को धन्यवाद। बिहार आमीन भर्ती 2020, 550 आमीनों समेत 2300 पदों पर बहाली जल्द, BCECB जल्द जारी करेगा रिजल्ट। बिहार सरकार के राजस्व व भूमि सुधार विभाग में 550 आमीनों सहित लगभग 2300 पदों के लिए बहाली जल्द होगी। चल रहे सर्वे के लिए सरकार ने आमीनों की बहाली जल्द करने का फैसला किया है। इसके लिए आवेदन पहले लिए गए थे, परीक्षा हो चुकी है, जल्द सरकार परीक्षा फल निकाल कर चयनितों को नियुक्ति देगी। आमीनों की यह बहाली शिविरों में कार्यरत करीब 3400 विशेष सर्वेक्षण आमीन के अतिरिक्त होगी। इसके अलावा अंचल भू सुधार, उपसमर्थता कार्यालय, भू अर्जन, अपर समर्थता कार्यालय आदि विभाग के विभिन्न दफ्तरों में भी रिक्त कर्मियों के 1767 पदों के लिए भी सूचना संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को भेज दी गई है। आज का सवाल, बिहार में अभी शिक्षा मंत्री के पद पर कौन है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार के बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब